नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी जो हमारी क्लास रहेगी वो क्लास होगी फिजिक्स के बारे में, जो कि हम 12th की फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसके अंदर 12th की फिजिक्स के अंदर जो सबसे पहला हमारा टॉपिक था वो टॉपिक है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या था हमने पढ़ा था। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब था हमारे पास जो स्थिर वैद्युतिकी, ये है हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसके अंदर जो भी हमने आवेश के बारे में पढ़ा है वो हमारा आवेश क्या है, स्थिर पोजीशन के अंदर है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर पूरा जो रोल रहता है हमारा, मेन जो रोल रहेगा वो इसके अंदर रहेगा आवेश का। आवेश इसके अंदर क्या होता है, आवेश हमारा रहता है स्थिर आवेश रहता है, स्टैटिक आवेश रहता है। स्थिर को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज। ठीक है, इसके अंदर आगे जो मेरे पास टॉपिक है वो है आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, मेरे पास आगे वाला जो टॉपिक है वो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये मेरे पास टॉपिक है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या बातें होती हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है, मैं इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, एन ए प्लस सी एल माइनस। इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एन ए सी एल बनेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एन ए सी एल बनेगा। इसके अंदर क्या होता है, इस इक्वेशन के अंदर जो हमारी पूरी प्रक्रिया हो रही है, इस प्रक्रिया से पूर्व और प्रक्रिया के क्या है पश्चात, प्रक्रिया से जो क्या है हमारे पास जो रिएक्शन हो रही है, जो हमारी प्रक्रिया हो रही है उससे पूर्व पहले और उसके क्या है पश्चात बाद में, जो हमारे पास टोटल जो नेट आवेश होगा, तो टोटल हमारे पास नेट आवेश होगा वो क्या रहेगा, बराबर होगा हमारा। ठीक है, नेट आवेश क्या रहता है, बराबर रहता है। ठीक है, मेन जो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, हमारे पास जो कोई प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में प्रक्रिया के जो हमारे पास पहले, जो हमारे पास प्रक्रिया में पूर्व और प्रक्रिया के पश्चात जो हमारे पास नेट आवेश होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेट आवेश के बारे में जो हमारे पास नेट आवेश होगा वो क्या रहेगा, बराबर रहता है। बराबर कैसे रहता है उसको हम हल करके देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ प्रक्रिया से पूर्व की बात करता हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है प्रक्रिया के पश्चात क्या है हमारे पास, ये पूर्व वाली साइड है, ये मेरे पास पश्चात वाली साइड है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पूर्व मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद की बात करेंगे हम इसके अंदर। ठीक है, इसमें क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले बात करता हूँ मैं जो प्रक्रिया से पूर्व है मेरे पास, इसके अंदर जो कुल पॉजिटिव है, कुल जो धनात्मक है, पॉजिटिव मतलब होगा मेरे पास, कुल जो धनात्मक होगा वो मेरे पास कितना होगा, प्रक्रिया से पूर्व की बात है, प्रक्रिया है हम यहाँ तक, इससे पूर्व की बात है तो धनात्मक कितना है मेरे पास इसके अंदर, प्लस वन है। ठीक है, प्रक्रिया के पश्चात जो धनात्मक है वो कितना है मेरे पास, जीरो है। ठीक है, धनात्मक का कोई इसके अंदर नहीं है प्रक्रिया के पश्चात। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, कुल ऋणात्मक जो मेरा कितना होगा, कुल ऋणात्मक है प्रक्रिया से पूर्व कितना होगा वो मेरे पास है, प्लस वन। प्रक्रिया के पश्चात कितना है, जीरो है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आगे मेरे पास क्या है, इसके अंदर जो कुल आवेशों की जो संख्या है वो कितनी होगी वो हमें पता करना है। कुल आवेशों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर कितना आवेश है, एक और दो। टोटल जो मेरे पास आवेश है, कुल आवेशों की संख्या कितनी है मेरे पास, है दो।
ठीक है, इस साइड आवेश है ही नहीं, तो मेरे पास कुल आवेश कितने है, इस साइड जीरो आवेश है। उम्मीद करता हूँ ये जो पॉइंट है आपको समझ आए होंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट मेरा ये है, सेकंड वाला पॉइंट मेरा ये है, और थर्ड वाला पॉइंट मेरा ये है। लास्ट जो मेरे पास है वो है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर, इस प्रक्रिया के अंदर जो हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर कुल जो आवेश है, हमारे पास कुल आवेश मतलब क्या है, जो कुल मेरे पास नेट आवेश है, नेट आवेश कितना होगा वो हमें पता करना है। ठीक है, नेट आवेश कैसे निकालेंगे हम, इसके अंदर जो हमारे पास दो आवेश है पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको क्या है नेट आवेश में जोड़ेंगे। तो किस तरह से जोड़ेंगे, सबसे पहले प्लस वाला, ठीक है प्लस वन है उसको ले लिया मैंने, इनको जोड़ना है किसके साथ, दूसरा जो आवेश है, सॉरी ये माइनस होगा यहाँ पर, माइनस वन के साथ, बराबर मेरे पास नेट आवेश कितना आएगा वो देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है मेरे पास, प्लस में है ये, प्लस में है ये, माइनस है, इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास माइनस ही बनेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा नेट आवेश मेरे पास, जीरो आएगा। ठीक है, नेट आवेश मेरे पास कितना होगा, जीरो बनेगा। ठीक है, और जो मेरा प्रक्रिया के पश्चात है जो नेट आवेश है वो मेरे पास जीरो है ही, पहले से ही जीरो है। ठीक है, तो यही कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, कोई प्रक्रिया है हमारी, रिएक्शन है, उसके क्या है पूर्व में जो हमारे पास आवेश है, और जो हमारे पास पश्चात जो आवेश है, क्रिया के पश्चात आवेश है, उनका जो नेट आवेश क्या होता है, बराबर होता है। तो ये मेरे पास पूर्व में भी जीरो आया है और पश्चात में भी जीरो आया है। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत, इसी को कहते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमें, हमने अभी सिद्ध किया है, इसके अंदर हमने सिद्ध क्या किया है, इसके अंदर हमने देखा है पूर्व, इसके अंदर हमने क्या देखा है, पूर्व के अंदर जो जो हमारे पास पूर्व के जो नेट आवेश है बराबर है मेरे पास पश्चात का नेट आवेश। ठीक है, ये आपको समझ आया है, पूर्व का जो नेट आवेश है वो पश्चात का नेट आवेश के क्या है, बराबर है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो ये सिग्मा का निशान होता है, समीशन जो प्लस का निशान होता है, ऐड का निशान इसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है जोड़ करना। ठीक है, इसके अंदर क्या है मेरे पास, जो स्टार्टिंग वाला जो चार्ज है, मतलब इनिशियल जो चार्ज है, बराबर होगा मेरे पास जो फाइनल चार्ज होगा वो। ठीक है, इसके अंदर क्या है, क्यू आई का मतलब क्या होता है, इनिशियल चार्ज, इनिशियल आवेश, और क्यू एफ का मतलब क्या होता है हमारे पास, ये होता है फाइनल चार्ज। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये जो आपको मैंने समझाया है आवेश संरक्षण का सिद्धांत, वो इस पॉइंट से आपको समझ आया होगा। मेन आपको क्या इसके अंदर ध्यान रखना है, नेट आवेश के बारे में आपको अपने बात पता होना चाहिए, नेट आवेश हमारा क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। आगे मेरे पास क्या है, आगे जो मेरे पास टॉपिक है वो मेरे पास टॉपिक है आवेशन के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आवेशन के बारे में, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको क्या है ध्यान से समझे और अपने नोट्स साथ साथ में नोट्स बनाते जाए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके लिए, इम्पोर्टेंट रहेंगे। अभी बात करते हैं हम आवेशन के बारे में। ठीक है, आगे मेरे पास जो पॉइंट है वो है आवेशन। ठीक है, आवेशन क्या होता है, आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं। ठीक है, आवेशन क्या होता है हमारे पास, किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया, आवेशित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, आवेशन कहते हैं। ठीक है, आवेशन कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास आवेशन। आवेशन का मतलब क्या है, कोई हमारे पास वस्तु है उसको आवेशित करना, उसको चार्जिंग करना। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, आवेशन होगा। ठीक है, अब जो आवेशन है इसके अलग अलग प्रकार है मेरे पास,
सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आवेशन के प्रकार। ठीक है, आवेशन के अलग अलग टाइप्स है। सबसे पहला जो टाइप है, इसके अंदर दो टाइप होते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर आवेशन के टाइप के अंदर सबसे पहला होता है संपर्क आवेशन। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेरा संपर्क द्वारा आवेशन। ठीक है, संपर्क आवेशन। दूसरा मेरे पास होता है इसके अंदर, दूसरा है मेरे पास प्रेरण आवेशन। ठीक है, दूसरा है मेरे पास प्रेरण आवेशन, इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट चार्ज। ठीक है, कॉन्टैक्ट चार्ज, इसको बोलते हैं इंडक्शन चार्ज। ठीक है, प्रेरण को बोलते हैं इंडक्शन चार्ज। ये आपको समझ आया, आवेशन के दो प्रकार होते हैं, सबसे पहला है संपर्क, दूसरा है मेरे पास प्रेरण। संपर्क आवेश को बोलते हैं कॉन्टैक्ट चार्ज, प्रेरण आवेशन को बोलते हैं इंडक्शन चार्ज। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास संपर्क आवेश है वो आगे दो टाइप में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले मेरे पास है, फर्स्ट वाला जो ए पॉइंट है वो है मेरे पास घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास पॉइंट है घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा मेरे पास है चालन द्वारा आवेशन। दूसरा मेरे पास है चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, ये मेरे पास है बी पॉइंट, मान लेते हैं इसको हम, ये मेरे पास होगा बी पॉइंट। तो ये जो आपको अलग अलग टाइप है आवेशन के वो एक बार मैंने आपको बताए हैं, अभी हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे पास क्या है, आवेशन के जो प्रकार है वो क्या है। सबसे पहला प्रकार है कॉन्टैक्ट आवेशन, जिसे बोलते हैं संपर्क आवेशन। दूसरा मेरे पास है इंडक्शन चार्ज, जिसे बोलते हैं प्रेरण आवेशन। ठीक है, कॉन्टैक्ट आवेशन जो है, संपर्क आवेशन है, वो आगे दो प्रकार के है। पहला है घर्षण, जिसे बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, दूसरा है मेरे पास चालन जो है, ठीक है, जिसे बोलते हैं कंडक्शन। ये मेरे पास इनके दो प्रकार है संपर्क के। अब हम स्टार्टिंग में सबसे पहले देखेंगे घर्षण द्वारा आवेशन के बारे में देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मेरे जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा घर्षण द्वारा आवेशन, देखते हैं, जो कि टाइप है कॉन्टैक्ट आवेश का। ठीक है, ये आपको पता चला आवेशन क्या होता है, किसी वस्तु को आवेशित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आवेशन। ठीक है, उसे हम बोलते हैं चार्जिंग करना। ठीक है, सबसे पहला मेरे पास जो है, सबसे पहले बात मैं लेता हूँ घर्षण द्वारा आवेशन। ठीक है, घर्षण को बोलते हैं हम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन द्वारा आवेशन। ठीक है, बाय द चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, चार्जिंग के, फ्रिक्शन के द्वारा हम चार्जिंग करेंगे, वो हमारे पास कौन सी प्रक्रिया होगी वो देखते हैं। घर्षण का मतलब होता है किसी चीज़ को रगड़ना। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई पॉइंट है, कोई दो मेरे पास क्या है, मार्कर लेके चलता हूँ मैं, अलग अलग टाइप के कोई मेरे पास वस्तु है, ये दो वस्तु है, इसको हम आपस में रगड़ेंगे, इसको हम आपस में रगड़ रहे हैं, तो मतलब ये क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो रगड़ने से जो प्रक्रिया हो रही है वो हमारे पास क्या है, घर्षण की प्रक्रिया होगी। तो हमें क्या है, रगड़ने से जो क्या है, चार्जिंग देखना है, कौन कौन से चार्जिंग होते हैं, क्या विधि है ये घर्षण वाली विधि। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है मेरे पास, सबसे पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले क्या है मेरे पास, मैं कोई दो पॉइंट लेके चलता हूँ, एक पॉइंट मेरे पास ये है, दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जो हम इनको जोड़ देंगे किसी चालक के द्वारा हम जोड़ देते हैं। मान लेता हूँ मैं, ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये मेरे पास नेगेटिव पॉइंट है, इनको मैंने चालन द्वारा, किसी चालक तार द्वारा जोड़ा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव से निकल कर हमारे पास नेगेटिव पे आएगा। ठीक है, जो चालन होगा वो कहाँ पर होगा, हमारे पास पॉजिटिव से क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर पता चला। इससे क्या है, हमारे पास धारा का जो सिस्टम होता है वो थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, धारा के बारे में और हमारे पास इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो सभी को क्या है, डाउट रहता है धारा और इलेक्ट्रॉन, वो आगे भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, हमारे पास क्या है, धारा हमेशा क्या है, अगर इस साइड में फ्लो हो रही है
जो करंट है अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा क्या होंगे, विपरीत दिशा में फ्लो होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। धारा हमेशा के हमेशा क्या है, मानता हूँ मैं यहाँ से लेके इस साइड डायरेक्शन में जा रही है मेरी धारा, तो वो क्या है इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी, दिशा होगी, वो इसके क्या है विपरीत होती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस विधि के अंदर काफ़ी यूज़ होने वाला पॉइंट है ये, आप अपने माइंड में रखिए। अब क्या है, मैंने आपको ये विधि बताई है, इसके अंदर क्या है मेरे पास कोई एक प्लस है, दूसरी क्या ये माइनस है, इसके अंदर क्या है हमारे पास चालक तार द्वारा जोड़ता हूँ मैं, तो प्लस से माइनस हमारे पास क्या है जो धारा है वो फ्लो हो रही है, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर, जैसे मैं क्या करता हूँ, एक आपने एग्जांपल देखा होगा बहुत बार, मेरे पास क्या है एक इस तरह के कुछ आटे के कट्टे के जो धागे होते हैं वो मैंने लिए हैं, ठीक है। ये कौन से धागे हैं, मेरे पास क्या है आटे के जो कट्टे के जो धागे हैं, आटे के कट्टे के धागे हैं मेरे पास, उनको मैंने कुछ इस तरह से लिए हैं, ठीक है। इन धागों को क्या है मैं रगड़ूंगा, कोई मेरे पास धागे हैं उनको मैं इस तरह से रगड़ूंगा, रगड़ने से क्या होगा इन धागों के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। इन धागों को मैं रगड़ूंगा तो इन धागों पे क्या हो जाएगा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा। और क्या होगा इसके अंदर, जैसे मैं हाथ से रगड़ रहा हूँ इसको, मेरे पास मान लेता हूँ ये मेरा हाथ है, ठीक है, मैं इनको हाथ से रगड़ रहा हूँ तो मेरे पास क्या होगा इन धागों के ऊपर क्या हो जाएगा प्लस चार्ज बन जाएगा, धागों के ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस चार्ज बन जाएगा, और हाथ पे क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस चार्ज बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है हम धागों को हाथ से क्या है हाथ को धागे के नज़दीक लेके जाएंगे, इस तरह से टच में करवाएंगे, तो धागे क्या है हाथ को छूने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धागे जो होंगे वो हाथ को छूने की कोशिश करेंगे इस विधि के अंदर, और जो धागे के ऊपर जो सारे धागों के अंदर प्लस चार्ज बना हुआ है, तो आपको मैंने बताया था प्लस प्लस जो चार्ज होता है वो हमारे पास क्या होता है इसके अंदर क्या होता है हमारे पास इसके अंदर रिपल्सन विधि होती है, इसके अंदर रिपल्सन होता है मतलब प्रतिकर्षण बल इसके अंदर उत्पन्न होता है, इसके अंदर प्रतिकर्षण जो बल है वो उत्पन्न होता है और एक दूसरे को दूर भगाते हैं। इसी के अंदर क्या है हमारे पास जो आटे कट्टे के धागे हैं उनको क्या है मैं हाथ से रगड़ रहा हूँ तो मेरे हाथ जो है इसके ऊपर तो माइनस चार्ज इकट्ठा हो जाएगा और धागों के ऊपर क्या है प्लस चार्ज होगा, तो हाथ को मैं धागे के पास टच में कराऊंगा तो क्या है मेरे पास धागे जो क्या है हाथ को छूने की कोशिश करेंगे, और जो धागे के जो कट्टे के धागे हैं इनके ऊपर सभी के प्लस 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 चार्ज है तो ये एक दूसरे से क्या है दूर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसी विधि को बोलते हैं हम घर्षण विधि, क्योंकि हम कट्टों को रगड़ रहे हैं, रगड़ने के बाद क्या हुआ हमारे पास अलग अलग टाइप के क्या है चार्ज जो आवेश है वो बने हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रक्रिया में क्या होता है हमारे पास दोनों वस्तुओं पर एक समान परिणाम जो है वो विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। इस विधि के अंदर क्या होगा हमारे पास दोनों जो हमारे पास आवेश बनेंगे, एक मेरे पास क्या है पॉजिटिव, एक मेरे पास क्या है नेगेटिव होगा। दोनों प्रक्रिया में इस प्रक्रिया में क्या होगा जो दोनों क्या होंगे मेरे पास वस्तुओं पर, एक वस्तु ये है दूसरी वस्तु ये है, इन पे क्या होगा एक समान परिणाम होगा, मतलब क्या होगा परिमाण होगा मैग्नीट्यूड होगा, मतलब ये मेरे पास मैं मानता हूँ इसके ऊपर क्या है माइनस दो चार्ज है, ठीक है, दो कूलाम है, तो इसके ऊपर भी क्या होगा प्लस दो कूलाम जो चार्ज उत्पन्न होगा, ठीक है। इस विधि में क्या होगा मेरे पास दोनों वस्तुओं के ऊपर क्या है सेम तो क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा परिमाण होगा, लेकिन इनकी जो दिशा है इनका जो ये प्लस और माइनस के जो चिन्ह है वो अलग अलग होंगे, ठीक है, विपरीत आवेश इन दोनों पे उत्पन्न होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये समझ आया है फर्स्ट वाली विधि। इसके अंदर कुछ और एग्जांपल है उनको मैं आपको नोट करवा देता हूँ भी कौन से जो टाइप के जो हमारे पास वस्तु है उस पर किस टाइप का जो चार्ज बनता है। सबसे पहले मेरे पास ये एक किस्म के आपको मैं टेबल नोट करवा रहा हूँ, इसके अंदर क्या है सबसे पहले आपके पास है कांच की छड़ हो आपके पास, ये मेरे पास प्लस का होगा इस पे बनेगा माइनस। सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास जो कांच है उसकी छड़ है मेरे पास उस पे क्या होगा पॉजिटिव पॉइंट होगा, कब होगा जब हम क्या करेंगे कोई हमारे पास रेशमी कपड़ा है, रेशमी कपड़े के साथ
रगड़ेंगे तब क्या होगा, इस पे क्या है, रेशमी के कपड़े पे माइनस हो जाएगा और कांच की छड़ पे क्या हो जाएगा, प्लस का निशान हमारे पास बन जाएगा, प्लस हमारे पास आवेश उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है वो है बिल्ली की खाल द्वारा, दूसरा जो है मेरे पास बिल्ली की खाल द्वारा, ठीक है, इसे बोलते हैं बिल्ली की जो फर बोलते हैं, ठीक है, बिल्ली की फर द्वारा, इसके अंदर दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। बिल्ली की खाल है इसके ऊपर तो क्या बनेगा, पॉजिटिव हमारे पास धनात्मक चार्ज होगा, और जो दूसरे मेरे पास इसके अंदर एक तो हम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक, एक तो है मेरे पास प्लास्टिक, प्लास्टिक पे नेगेटिव होगा, प्लास्टिक की जो छड़ होगी, ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या होगा, दूसरा मेरे पास होता है एबोनाइट की जो छड़ है, एबोनाइट की जो छड़ है उस पर क्या होगा मेरे पास, माइनस का जो चार्ज है वो आवेश है वो बनेगा, ठीक है। कांच की छड़ है उस पर प्लस होगा, रेशमी कपड़े के साथ रगड़ेंगे तो रेशमी कपड़े के ऊपर माइनस का होगा। बिल्ली की खाल है उसको रगड़ेंगे किसी प्लास्टिक छड़ या फिर एबोनाइट के ऊपर तो इन दोनों पे माइनस होगा, बिल्ली की खाल पे क्या होगा, प्लस होगा मेरे पास। तीसरी चीज़ है मेरे पास ऊनी कपड़ा, कोई मेरे पास अगर ऊनी कपड़ा है, ठीक है, ऊनी कपड़े पे क्या होगा मेरे पास, प्लस का निशान होगा। कब होगा प्लस हमारे पास, जब हम किससे रगड़ेंगे, एक तो मेरे पास होगा एबोनाइट से इसको रगड़ेंगे, दूसरा मेरे पास दिया हुआ है प्लास्टिक से रगड़ेंगे, प्लास्टिक से रगड़ेंगे, और तीसरा मेरे पास है किसी रबड़ से रगड़ने पर, ठीक है, इन तीनों से रगड़ेंगे तो क्या होगा, ऊनी कपड़े पे क्या है मेरे पास, प्लस का निशान होगा, और जो मेरे पास क्या है एबोनाइट प्लास्टिक और रबड़ पे क्या होगा, माइनस का आवेश होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको जो फर्स्ट वाला जो घर्षण विधि है वो आपको समझ आई है, ठीक है। आगे मेरे पास क्या होगा वो देखते हैं हम चालन की विधि के बारे में, तो जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वाली विधि है चालन की विधि वो मैं आपको उसके अंदर करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आया होगा, हम धीरे धीरे क्या है टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ज़्यादा क्या है लेंथ वीडियो नहीं बना रहे, क्योंकि क्या ज़्यादा लेंथी वीडियो के अंदर बच्चे क्या है बोर भी होते हैं, कम जो टाइम है वो अगर वीडियो का हो वो बच्चों को क्या है काफ़ी पसंद आता है, वो बच्चे इंटरेस्ट भी दिखाते हैं, ठीक है। आपको क्या ये जो टॉपिक करवाए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में, और अपने जितने भी प्लस टू के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बताइए फिजिक्स के बारे में, और हमारे जो चैनल को है वो सब्सक्राइब करवा भी करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, धन्यवाद दोस्तों।